साल 2023 में जुलाई का महीना था। मध्य प्रदेश में चुनाव की आहट थी, तभी सीधी में एक घटना हुई और पूरे देश में मध्य प्रदेश की सरकार की किरकिरी होने लगी। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स के ऊपर पेशाब कर रहा था। वीडियो वायरल होते ही सीधी में नेताओं का जमावड़ा लगने लगा। कांग्रेसियों ने इस मामले को हाथों हाथ ले लिया और बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को अपने आवास पर बुलाया और उसके पांव धोए। लेकिन अब दशमत का क्या हाल है ये जानने के लिए जब उसके घर एमपी तक की टीम पहुंची तो दशमत अपना दुखड़ा रोने लगा और कहने लगा कि उसे तो मामा याद आते हैं। अब किस अब उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था कि आप भीम आर्मी में शामिल हो गए हैं, तो क्या शामिल हैं कि नहीं? नहीं, नहीं, नहीं शामिल है। नहीं शामिल, नहीं शामिल है। अच्छा जी, तो आपका अभी विश्वास है? हाँ, मामा पर। हाँ, मामा पर है विश्वास। हमको हम लाग रहे हैं, हमको विश्वास है कि अगर आदमी मिल जाए नौकरी मिल जाए। हाँ। नहीं मिलेगी तो अपन तो दें तो है, है काम करेंगे। हाँ। जी, लेकिन अब कोई मदद करने आपकी नहीं आता? कोई नहीं आता, यहाँ कोई फिर के आता नहीं, झाँकता भी नहीं है। हाँ। नहीं तो हम तो पहले तो इतना नेता मंत्री आते थे एक से एक बढ़ के। अच्छा, पर यहाँ कोई नहीं आता कि दसवां मरे हैं कि जियाला। अच्छा जी, तो बच्चों की उस समय बोला गया था कि अच्छी स्कूल में इनका एडमिशन कराया जाएगा, तो कुछ हुआ ये सब? कुछ नहीं हुआ। अपने पैसे से करवाए हैं दो बच्चे का, एक बच्चे का। अब जो सब कहे थे कि पढ़ाई का पैसा नहीं लगेगा, फीस नहीं लगेगा, मगर सभी लग रहा है। अच्छा जी, निःशुल्क सेवा होगा तो नहीं हो रहा। तो सरकार से यही मांग है कि आपकी जो सरकार दिया गया था वो मांगे पूरी मांग हुई जाए। दशमत की माने तो उस वक्त तो सियासी दल के नेता उसके घर खूब आ रहे थे, खूब सांत्वना दे रहे थे, लेकिन अब कोई नहीं आता और ना ही कोई मदद करना चाहता है। जी, तो उस दौरान तो सभी दल के नेता आपके पास आते थे? अब कोई दल के नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। कोई खोज खबर नहीं? कोई नहीं। तो इस समय अपना जीविकोपार्जन कैसे चल रहा है? अगर काम करके खा पी रहे हैं। जी, क्या मजदूरी करने लगे? हाँ, मजदूरी करते हैं। अच्छा, परिवार के लोग भी करते हैं? हाँ हाँ, सभी आदमी काम करते हैं। हम मेहरिये हैं, लड़का है छोटे छोटे। जी, तो मतलब जो सरकार ने नौकरी का आपको बोला था कि नौकरी आपको दी जाएगी, तो वो नहीं हो पा रही? अभी नहीं हो पा रही है। तो क्या मांग है सरकार से? क्या मांग है सरकार से? ही मांग है कि हमारा मिल जाए तो हम अपन लड़के बच्चे जिया सकते हैं। फिलहाल दशमत रावत मजदूरी करते हैं, ट्रक से सीमेंट उतारते हैं और किसी तरह से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दशमत का घर बन गया है, एक हैंडपंप लग गया है, घर तक पक्की सड़क भी बन गई है। ये सब हुआ तत्कालीन शिवराज सरकार के दौरान, लेकिन नौकरी नहीं मिली और दशमत को नौकरी की तलाश है। सीधी से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।